मतलब दवाइयों का टूटा हुआ दिल, ये जो एक एक जो सिचुएशन है ना, वो बहुत हसीन सिचुएशन है. लाइक मनीषा मैम का खुद का एरर है, आई लव हर सॉन्ग रोजा जाने मन एंड ऑल, एंड अदिति मैम हैज शी इज सो ब्यूटिफुल. एक अंगूठी भी रखी होगी ना उनके सेट पे, तो उसके बारे में भी वो पूरा ही वो रखते हैं कि किस आंगन में रखी. सबसे मजे एक्चुअली वहाँ हमारे सेट पे जो संजय सर के फेवरेट डॉग्स थे ना, उन्हीं के थे. यस आई एम लकी इनफ कि सर ने मेरे साथ लाइक मुझे बहुत ही प्यार से ट्रीट किया. हाँ श्रुति, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जन सत्ता. हाय हेलो, गुड टू सी यू. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू वेरी मच. ओके, सो क्या कुछ कहना है? हाउ वाज इट वर्किंग विथ यू नो संजय लीला बंसाली एंड द रेस्ट ऑफ द स्टार कास्ट एंड फाइनली हीरा मंडी इज आउट? क्या कहना है? I just want to thank every single person out there for loving Heeramani, for loving Saima so much, and all I have is gratitude in my heart right now. क्योंकि हम सब ने जितनी मेहनत की है, जितना वक्त लगाया है, बहुत मेहनत की है एक्चुअली, और सब ने उस चीज़ को सराहा है, पसंद किया है, तो बहुत खुश किया. बिल्कुल. एंड अगर मैं बात करूँ तो साइमा के कैरेक्टर को लेके ऐसे लगा ही नहीं रहा था कि यार हमने श्रुति को देखा, बिकॉज इसके पहले हम ऑलरेडी जो है सीरियल्स में श्रुति को देख चुके हैं, श्रुति के अलग अलग लुक को देख चुके हैं, एंड यहाँ पे ऑल टुगेदर लाइक हाउ वाज दैट? अगर बात करूँ तो सेट पे किस तरीके का डिफरेंट था? बिकॉज डेली सोप हमने देखे हैं कि उसका अलग तरीके से होता है, एंड वर्किंग विद SLV कैसा रहा है बॉलीवुड का ये सफ़र? बहुत ही उमदा और रोमांचक मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि संजय सर का एक तो उनका ना सेट अलग ही दुनिया है. खूबसूरत आर्किटेक्चर, आप और में घूमोगे कि क्या कितना सुंदर बनाया है. और उनकी पूरी टीम, लाइक उनके सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सारे क्रू मेंबर्स, स्टाइलिस्ट, सब ना अपने काम में एकदम तत्पर रहते हैं. तत्पर इन द सेंस टिप एंड टॉच पे रहते, यू नो दे आर वेरी फोकस्ड, एवरीबडी इज डैम प्रोफेशनल ऑन सेट, एंड वहाँ काम के अलावा और कोई बात नहीं होती है. तो मुझे ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, मुझसे काम करवा लो खूब सारा, और मुझे बेहद पसंद है मेरे सेट पर होना. सो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मैंने हर लम्हा हर पल बहुत कुछ सीखा है इस दौरान. राइट. एंड अगर इसके अलावा बात करें तो साइमा के किरदार को लेके कितना आपने नर्वस किया था, कितना पहले से यू नो नर्वसनेस थी या एक्साइटमेंट था बिकॉज यू आर प्लेइंग दिस कैरेक्टर एंड वो भी इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ विथ संजय लीला बंसाली, तो किस तरीके की फीलिंग थी? मुझे लगता है साइमा और श्रुति में ज़्यादा अंतर नहीं रहा है जितना, जैसे साइमा जो घबराई हुई से मलिका जॉन के सामने होती थी ना, वैसे श्रुति हीरामंडी के सेट पे रही है. क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट है संजय सर के साथ, मेरा पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट विद अ मेजर रोल. सो मैं बहुत ही एंशियस भी थी, नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, सारे ना इमोशंस ऐसे खिचड़ी बन गए थे. सो साइमा की तैयारी की बात की जाए तो मैंने रियाज किया था 6 महीने, क्लासिकल म्यूजिक सीखा था, ताकि एक वो जो इनबॉर्न क्वालिटी होती है सिंगर, एक जो नेचुरल टैलेंटेड सिंगर्स होते हैं, उनका जो गला होता है ना, वो बहुत सुरीला साउंड करता है. जैसे श्रेया घोषाल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कितनी मीठी आवाज़ है उनकी. तो मैं चाहती थी कि मेरे जितनी भी मेरी टोन है, पिच है, सुर है, वो सब अलाइन रहे और सही आना चाहिए, दिख लगना चाहिए कि हाँ ये नेचुरली गिफ्टेड सिंगर है. और डिक्शन पे मैंने बहुत काम किया, बहुत ध्यान रखा कि तलफ्फुज़ बहुत साफ रहे, क्योंकि सर को भी वो चीज़ बहुत पसंद है और हम पीरियड ड्रामा कर रहे थे. तो आई थिंक ये तैयारी मैंने साइमा के लिए की है. बाकी तो बस जब भी हमें सीन्स मिलते थे सेट पर ही मिलते थे, और हम तभी प्रिपेयर करके, यू नो ऑन द स्पॉट ही, सब कुछ ऑन द स्पॉट ही होता है आपके सेट पे. कभी भी डायलॉग्स चेंज हो जाते हैं, कभी भी सेटअप चेंज हो जाता है, क्योंकि सर को सब कुछ परफेक्ट चाहिए. और फिर सर आपको वक्त देते हैं कि अच्छा ठीक है, नाउ दिस इज़ इट, एंड वी आर लाइक ओके विल डू आर बेस्ट. सो वो एक्सपीरियंस को एक शब्द में वो कर पाना ना थी. बिल्कुल. एंड जिस तरीके से अगर बात करूँ तो लोगों ने आपको देखा, लोगों ने इतना पसंद किया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनको गुगली दे दी. साइमा के साथ क्या हुआ, हर कोई जानना चाहता है कि किस तरीके से वो कोलकाता पहुंची. क्या कुछ बताना चाहोगे अगर मैं आपसे पूछूँ कि आइए, आई एम श्योर जब आपको स्क्रिप्ट मिली रहेगी तो आपका भी यही रिएक्शन होगा कि अरे ऐसे कैसे पहुंच गई. मुझे पूरा पता नहीं. तो कुछ बता दो हमें भी. मैं एक्चुअली बता कर
सस्पेंस खत्म नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो यही मना रही हूँ, मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ, आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर सीजन टू, सो यू ऑल शुड ऑल्सो मैनिफेस्ट फॉर सीजन टू. क्या पता सीजन टू में आपको आगे की कहानी कि इकबाल का क्या हुआ, सायमा का क्या हुआ, हीरा मंडी का क्या हुआ, बिकॉज खत्म ही वो एक ऐसी जगह पर हुई है जहाँ पर एक्चुअली लोगों को पता नहीं है कि अब क्या होगा, नाउ वॉट, राइट. सो लेट्स होप, क्या पता सीजन टू में आपको देखने को मिले कि सायमा कोलकाता कैसे पहुंची, कि कौन है उसका शौहर, उसके बाद इकबाल क्या करेगा. तो हाँ, वेल, लेकिन अगर मैं आपको पूछूँ रियल में क्या यू हैव बीन देयर हीरा मंडी, क्या आप गए थे लाइक शूट के पहले, या फिर कुछ ऐसा आपने सोचा था कि एक बार जाके इस प्लेस को मैं देखूँ? एक्चुअली वो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं था मेरे लिए मिसिंग करें, पर अगर मुझे कभी मेरे जीवन में मौका मिला तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी लाहौर, और ज़रूर हीरा मंडी असली वाली जो है वो देखना चाहूँगी थी. पर मैंने एक तो वीडियोस देखे हैं जिससे मुझे ये समझ में आया कि सर ने जो सेट बनाया है वो बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है. अगर आपने वीडियोस देखे हो तो आप देख सकते हैं कि जो जो जैसे छज्जे बने हैं, जो दीवारें हैं, वो काफ़ी सिमिलर. और जिस तरीके से हम देखते हैं आजकल तवायफ हो गए, या फिर उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है, उनको जो लेवल का रिस्पेक्ट यहाँ पर जो मलिका जान को लिया है उन्होंने और दिखाया है, वो कहीं ना कहीं आजकल लोग थोड़ा प्रोस्टिट्यूशन तरफ ज़्यादा देखते हैं, एंड वो रिस्पेक्ट एक जो है फीमेल को मिलता नहीं है. सो क्या कुछ कहना है आपको इसके ऊपर? देखिए वक्त बदल गया है, सदियाँ बीत गई हैं, और जिन हम जिस एरा की हम बात कर रहे हैं ना वो आज़ादी से पहले का है. अभी आज़ादी मिली नहीं है भारत को, जिस हम एरा की बात कर रहे हैं उस एरा में कोर्टिसंस आर्टिस्ट हुआ करती थी, वो टैलेंटेड थी, वो सीखती थी गाना बजाना डांस, और सिर्फ एक तरीके बेसिकली कथक ही उनका मेन होता था, बट और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी जितना जैसे आज हम आज के ज़माने में हम टैलेंट्स बोलते हैं ना, भरपूर था उनके, वहाँ पे उनके जो कोठे हुआ करते थे वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता था, देवर लाइक टीचर्स जिनके यहाँ नवाबों के बच्चे जाते थे तहजीब सीखने, बोल चाल का तरीका सीखने, एटिकेट्स जिसे आप कहते हैं, और फिर और हर तवायफ का रखे ना एक नवाब होते थे, जैसे एक औरत का पति होता है ना वैसे हर तवायफ का एक नवाब होता था, और वो सिर्फ उसे रईस लोग ही उनके पास जा सकते थे, आम आदमी उनको छू भी नहीं सकता था. यहाँ तक कि मेरी नानी ने मुझे बताया है, क्योंकि मेरी नानी ने देखी है कानपुर और बनारस में जो है जो एक बहुत फेमस, मतलब मुझे नाम नहीं आते होगा, बट वो मुझे बताती थी कि जब वो निकलती थी ना, इनकी जब बग्घी तैयार होती थी तो उनकी जो सेविकाएँ होती थी, मेड्स होती थी, वो ऐसे उनके अगल बगल दुपट्टे लेकर चलती थी चादर लगा के, कि आम आदमी देख नहीं सकता था. और उससे भी पहले जब कोई ऐसा तवायफ निकलती थी तो लोग नजर घुमा लेते, सिर्फ नवाबों की पास ही सहूलियत थी कि वो तवायफों के पास जा सकते. फिर वक्त बदला, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी जिसे कहते हैं ना उनका उनका इनका पूरा कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, वो इस हालात में आ गई उनके सारी लग्जरीज लेनी, तो एक्चुअली बेसिकली उनकी पूरी जिसे कहते हैं ना उनकी दुनिया पलट दी ब्रिटिशर्स ने. फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो फोर्स दे वर फोर्स टू बी अ प्रोस्टिट्यूट, बिकॉज आम लोग तो उनको अपने घर में लेंगे नहीं ना, राइट. तिमखान, दैट्स हाउ दे नाउ पीपल कॉल देम प्रोस्टिट्यूट, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ पोक्सान एंड अ प्रोस्टिट्यूट. करेक्ट. एंड किस तरीके का फैमिली का रिस्पॉन्स आया, और किस तरीके का फैंस का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या कुछ कहना है? फैंस मेरे बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्होंने 2 साल के बाद मैं दिखी हूँ, और बेहद बेहद प्यार मिल रहा है मुझे, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि फैंस खुश हैं. और रही बात फैमिली की, तो राइट नाउ माय फैमिली इज़ एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ मी, कि अपने करियर के बहुत ही शुरुआती दौर में देखा जाए तो अभी मुंबई आए हुए मुझे 6 ही साल हुए हैं, उसमें ही 6 ही सालों में से भी 2 साल मैं उधर ही काम करी थी, तो देखा जाए तो 4 साढ़े 4 सालों में मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया, और जिसे कहते हैं ना बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से काम कर कर आई हूँ मैं, तो दे आर वेरी प्राउड यार, एंड आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड विद दैट, बिकॉज एक बच्चे को तो ये चाहिए होता है ना कि मम्मी पापा प्राउड फील करें, कोई उन्हें बता रहा नहीं तुम्हारी लड़की को अपने वहाँ देखा था. संजय तो हाँ, दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर थैंक्स फॉर दैट. लीला बंसाली के हमने कई सारे किस्से सुने हैं, जब वो सेट पे गुस्सा होता है तो वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, आपने क्या कुछ देखा उनमें?
मुझ पे तो गुस्सा नहीं किया। यस आई एम लकी इनफ कि सर ने मेरे साथ लाइक मुझे बहुत ही प्यार से ट्रीट किया है, बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया है। और उनकी ना सबसे खास बात ये है कि वो जितने फोकस और जितने अटेंशन के साथ अपना काम करते हैं ना, जितना वो डेडिकेटेड है कि एक मतलब एक अंगूठी में रखी होगी ना उनके सेट पे, तो उसके बारे में भी वो पूरा ही वो रखते हैं कि किस एंगल में रखी, किस वो रंग टेबल से रंग मैच कर रहा है कि नहीं। Can you imagine the details and the focus he has? So, मतलब ये चीज़ देखना अपनी आंखों के सामने मेरे लिए लाइक एक बहुत बड़ी बात हुई। और दूसरा ना, वो एक एक्टर को मौके ज़रूर देते हैं, वो आपको मौका देंगे, आप वो 10-20 मौके देंगे कि आप अपनी काबिलियत दिखाओ, आप क्या कर सकते हैं, किस वक्त तक कर सकते हो, आपको गाइड करते हैं प्रॉपर। और उसके बाद शायद कहीं जाकर उनको थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, वो जायज, क्योंकि जब इंसान इतनी मेहनत करता है तो इनकी तो डांट भी मंजूर है। तो रेडी थी कि हाँ सर, जैसे कहते हैं ना कि पारस एक है ना कि वो पत्थर को भी सोना बन जाता है, तो उनका गुस्सा भी वैसे ही है। सबसे ज्यादा किसने डांट खाई है सेट पे? मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता है बेचारे 80s में ही सबसे ज्यादा डांट खाने को भी, वही बेचारे भागते रहते थे और सब इतने मेहनती थे, वही ने सबसे ज्यादा डांट खाई होगी मुझे लगता है। जैसे एक डायरेक्टर हमेशा अपनी गाइड करते रहते हैं उस तरह से। सेट पे सबसे लेट कौन आता था, कौन सा आर्टिस्ट था जो लेट पहुंचता था? आई थिंक सभी टाइमली पर आते थे, क्योंकि हम सबको 5 मिनट की विंडो दी जाती थी, 5 से 10 मिनट की, कि हाँ सर आ गए हैं या आने वाले हैं तो आप आ जाइए। तो मुझे लगता है सभी दौड़े दौड़े ही आते, मेरे सामने तो सभी लाइक मैं पहुंची हूँ, मेरे हम सब एक लाइन में चल रहे होते थे। मैं कभी कभी संजीदा मैम, अदिति मैम और ऋचा मैम के साथ मेरा कोई सीन नहीं था, सोनाक्षी राव के साथ भी नहीं था, और फिर शारमैन, फिर हम लोग सब मैंने तो हमेशा सबको एक लाइन में ही चलते देखा। तो आई थिंक हम टाइम पर ही होते थे ज़्यादातर सब। सबसे ज़्यादा क्रैंक कौन करता था बीच में, जैसे ब्रेक मिलता था? कोई मौका ही नहीं था प्राज, वहाँ सब सिर्फ काम कर रहे थे। वहाँ पर आपके जहन में और कुछ आएगा ही नहीं यार, वो माहौल ऐसा है ना कि वहाँ पे हर कोई हंस, एक छोटी सी छोटे आई थिंक लाइट मैन दादा जो होते हैं ना, उनका भी फोकस ही होता था कि लाइट सही एंगल पे पड़नी चाहिए। तो वहाँ पर सबसे मजे एक्चुअली वहाँ हमारे सेट पे जो संजय सर के फेवरेट डॉग्स थे ना, उन्हीं के थे, वही मस्त खा पी के आराम से होते थे, बाकी सभी काम करते थे, उसी में अपना मजा किया सबने, काम करते थे। राइट, वेल आपको दिखाया है आलम सेफ की बेस्ट फ्रेंड, सो क्या कुछ मस्ती लाइक आप उनके साथ करते थे? बिकॉज उनका ये फर्स्ट डेब्यू है, एंड आप कभी अगर देखेंगे तो प्रॉपरली फर्स्ट डेब्यू ही हुआ इन टर्म्स ऑफ यू नो बॉलीवुड। सो किस तरीके की बॉन्डिंग थी ऑफ स्क्रीन, क्या कुछ चीज़ें लाइक यू गाइस हैव डिस्कस्ड और शेयर? यस आई थिंक हमारी हमें मौका तो बहुत कम मिला है बात करने का, मगर जो भी हमारी थोड़ी बहुत बात हुई है उसमें मैंने यही समझा है कि शारविन बहुत ही चिल्ड आउट इंसान है, एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेनेट पर्सन, शी उसका उसका एक 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 पर्सनैलिटी होती है ना, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, शी हैज़ दैट, एंड शी इज़ काइंड ऑल्सो, एंड शी इज़ उसका बहुत ही हैप्पी जॉली नोट की लड़की है वो मुझे याद है, वो उसको चीज़ डोसा खाना बहुत पसंद था, तो वो मुझसे कह रही चीज़ डोसा खाई, चीज़ डोसा खाई, लाइक इट्स ओके, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं जाएगा। बट हाँ, शी इज़ केयरिंग, शी इज़ काइंड, एंड शी इज़ फन टू बी विद, शी इज़ फन टू बी अराउंड। राइट, एंड इफ यू हैव टू पिक वन बिटवीन अदिति राव हैदरी एंड मनीषा कोइराला, लाइक पिक वन एज लाइक एज योर मेंटर या बोल दो, या फिर एज योर फैन बोल दो, या फिर जो भी है। माय फैन लाइक यू आई थिंक ओ दिस इज सो डिफिकल्ट, दे बोथ हैव देयर ओन, बट आई थिंक आई कांट चूज माय गर्ल, लाइक मनीषा मैम का खुद का एरा रहा है, आई लव हर सॉन्ग रोकला जाने मन एंड ऑल, एंड अदिति मैम हैज शी इज सो ब्यूटिफुल, थोड़ा ऑनेस्ट भी कर लेते तो वो
बिकॉज उनमें कोई कम मतलब कैसे आप चुनो क्या फिल्म एंड उनसे पूछना चाहिए कि मैम वुड यू लाइक टू हैव मी राइट. एंड अगर दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरीके से हमने देखा सबकी स्टोरी अलग अलग है और सबको अच्छे से यू नो प्रॉपर अटेंशन और कैरेक्टर को जस्टिफाई किया गया है, चाहे वो किसी का भी हो, पत्तों का हो, या फिर बात करें आपकी कैरेक्टर की, या वो संजीदा हो या कोई भी हो. तो व्हेन यू वाज वाचिंग, लाइक जब आ चुकी थी हीरामंडी नेटफ्लिक्स पे, तो देख के क्या कुछ ऐसा फील हो रहा था? एंड अगर आप सायमा का नहीं किरदार प्ले करते तो किसका यू थिंक कि यू वुड हैव डन? अगर या फिर ऑफर मिलता तो फिर आप करना चाहते? आई थिंक मैं पहली बात तो जब मैंने हीरा मंडी देख भी शेयर की तो मैं बहुत एक्साइटेड और मुझे बेहद पसंद आया शो. और मुझे याद है जब वो ख़त्म हो रहा था वो लास्ट शॉट एंड आई वॉज सिटिंग थोड़ा वे एंड आई वॉज क्राइंग क्योंकि बहुत पंगा क्विट ये उसमें. तो मैं ना रिलेट कर सकती हूँ हर एक्टर से, तो एक एक सेट के एक एक कोने से. तो आई वॉज एक्चुअली ओवरवेल्म्ड एंड क्राइंग एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड दिस इज सच अ ह्यूज थिंग. एंड अगर किसी और किरदार की बात करें, सारे ही इतने खूबसूरत किरदार हैं, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू प्ले नच्चो मैम्स नच्चोज कैरेक्टर, रिचा मैम्स कैरेक्टर. क्योंकि वो ना एक बहुत ही जहीन किरदार, एक वो जो टूटी हुई तवायफ, टूटा हुआ दिल, एक तवायफ का मतलब तवायफ का टूटा हुआ दिल, ये जो एक जो सिचुएशन है ना, वो बहुत हसीन सिचुएशन है. तो आई वुड लाइक टू प्ले दैट. क्योंकि जब मैंने रिचा मैम को प्ले करते देखा है, आई वाज लाइक ओके नाउ दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू डू, बिकॉज बहुत खूबसूरत लगी है और बहुत बेहद उमदा काम किया उन्होंने. एंड हाँ, आई थिंक लंचो वुड बी दैट कैरेक्टर. राइट. एंड अगर बात करें तो जिस तरीके से हमने देखा है यू नो तवायफ को किस तरीके से लोग छोड़ जाते हैं और वो बनती हैं, वो खुद से नहीं बनना चाहती, बट जो भी लोग बेच देते हैं जिस जो भी रीज़न से, वो तवायफ बनती है. और आजकल हम देख रहे हैं कि यू नो कितने सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि गांव से लोगों को या फिर यू नो बेचा जाता है, वो झूठ बोल के लाया जाता है, वेदर गंगूबाई में हमने देखा या फिर इसमें बात किया. तो क्या कुछ आपको कहना है कि जब किसी की लाइफ इस तरीके से बदलती है या किसी ने उम्मीद नहीं की रहती, कितना वो सैड फील होता है, या फिर क्या कुछ कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो ज़बरदस्ती मजबूरी में गई हैं? ये एक चीज़ है जो हमारे समाज में सदियों से हो रही है और होती आई है और अभी भी हो रही है बहुत सारी जगह पर. और मुझे लगता है कि हम ही कर पाए. अगर आपने कहीं इनके बारे में पढ़ना होगा, लाइक सायमा का जो किरदार है, सायमा को उसके पिता मलिका जान को बेच देते, जो उसकी बैक स्टोरी थी वो यही थी ऐसी कि वो उसके खुद का पिता ही उसे बेच लेना है. बहुत सारे ऐसी गंगूबाई में दिखाया गया था कि बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पर उनके हस्बैंड से उन्हें बेच जाते हैं. तो हमारे अपने ही कहीं ना कहीं हमें बेच देते हैं, राइट, उन लड़कियों को बेसिकली. तो जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो अपने परिवार पर, अगर वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो उस लड़की का भरोसा वो किसी पर नहीं कर सकते और फिर उसकी क्या ही ज़िंदगी रह जाएगी. और उस लड़की को ऐसी सिचुएशन में डालने के बाद हम खुद ही टैग भी देते हैं, ओ योर अ प्रोस्टिट्यूट, अरे ये तो ये है, ये तो वो है, और हमें शर्म भी नहीं आती है फैशन. और फिर जब वो इंसान खोखला हो चुका होता है, उसके बाद हम कहीं ना कहीं उम्मीद भी करते हैं, कह रहे इसके अंदर तो सेंटिमेंट्स ही बचे. लाइक दिस इज द मोस्ट आइरोनिक थिंग अबाउट आवर सोसाइटी. और उनका जो दर्द है ना, वो ना मैं समझ सकती हूँ ना आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इधर खड़े नहीं होंगे, आप उन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं किसी की दुनिया लुट जाना क्या हो. पर एक लड़के हैं तो सबसे खराब चीज़ें. सो श्रुति, व्हाट नेक्स्ट? बिकॉज अब बॉलीवुड में आ चुके हो, कदम रख दिया है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, डेब्यू विथ संजय लीला बंसाली विथ हीरा मंडी, नाउ व्हाट नेक्स्ट? आई एम श्योर समथिंग ग्रेट विल बी ऑन द कार्ड्स एंड Let's wait and watch. Okay, जो अगर बात करूँ तो सीरीज की या फिर यू नो स्टार कास्ट की, तो सबसे अच्छा और सबसे यू नो दिल छूने वाला कॉम्प्लीमेंट आपको किसने दिया? मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हुए. मुझे मेरे स्पेसिफिकली मेरे जो को एक्टर्स हैं टेलीविजन से, एक जो मेरे सीनियर एक्टर्स बेसिकली, बहुत उनमें से दो तीन सीनियर एक्टर्स को मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं टीवी इंडस्ट्री का नाम रोशन करती है लड़की. आई एम लाइक
एक मुझे मेरी को एक्टर है तो जिन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा काम देखने के बाद आज मुझे उम्मीद मिल गई है कि अगर टैलेंटेड है एक्टर तो उसे ज़रूर पहचान मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे सुनकर लिटरली मुझे बहुत बहुत आभार महसूस हुआ कि मतलब इसके मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ को बयान करने राइट एंड हम लोगों को देखते यू नो कि एक बार वो बॉलीवुड की तरफ कदम रख देती है देन दे डोंट लुक बैक टेलीविजन पे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर क्या कहना है कि एक बार देन उनको वो टीवी एक्टर्स का टैग भी लगाना उनको पसंद नहीं आता खुद के नाम पर। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? सी मैंने ना कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये डिफ्रेंसिएशन होता है हमारी इंडस्ट्री में विच इज़ वेरी एविडेंट, बट आज के समय में मुझे लगता है वो लाइन बहुत थिन हो गई है। क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो टेलीविजन पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे हर वीकेंड, हर सैटरडे संडे, और बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स हैं जो अब OTT पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि अब वो उतना डिफ्रेंसिएशन बचा नहीं। एंड OTT हैज़ डन दिस ग्रेट जॉब बाय वैनिशिंग दैट लाइन बिटवीन टेलीविजन एंड यू नो OTT प्लेटफॉर्म्स एंड बॉलीवुड बेसिकली। सो आई थिंक वक्त के साथ साथ ये जो एक अंतर है ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दोबारा कुछ अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो क्या आप वापस से टीवी पे कमबैक करना पसंद करोगे? आई नो TV हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एवरीथिंग बेसिकली। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट यू नो आई टुक माई फर्स्ट स्टेप थ्रू अ रियलिटी शो ऑन लाइक वन ऑफ द टेलीविजन चैनल, देन आई डिड माई फोर शोज एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई अदर प्रोजेक्ट्स। सो आई एम ऑलवेज रेडी टू बी ऑन टीवी एंड आई लव TV। एंड ये भी हमने देखा है कि आप स्क्रिप्ट को लेके काफी चूजी होती हो, तो अभी भी काफी सारे आते रहेंगे, बट किस तरीके का रोल आपको चाहिए, या फिर अगर मैं ड्रीम रोल की बात करूँ तो किस तरीके का वो किरदार आपको नजर आता है? हाँ जी, मेरा ड्रीम रोल तो जो है चंद्रमुखी का किरदार था माधुरी दीक्षित ने जो देवदास में मैम ने उन्हें प्ले किया है। क्योंकि मैंने बताया ना संजय सर मेरे फेवरेट डायरेक्टर ने, और मैंने अपनी जीवन में पहली बार जो स्टेज परफॉर्मेंस दी थी जब मैं 12-13 साल की थी वो भी डोला रे डोला पे थी। तो मैं तब से संजय सर की हीरोइन बनना चाहती थी किसी पीरियड ड्रामा, किसी पीरियड स्टोरी पे, और वो मुझे मिल गया है। और अगर season 2 आया तो आई थिंक वो जो बची हुई एक ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएंगी। तो एक्चुअली मैं वही करना चाहती हूँ, चंद्रमुखी का किरदार। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं रेखा मैम की बायोग्राफी में जरूर रेखा मैम की कई बात अच्छा हुआ। राइट, वेल हमने देखा तो है आप कितनी अच्छी डांसर हैं, वो तो हम ऑलरेडी टीवी पे देख चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली season 1 हीरा मंडी में तो अभी तक आपको डांस करने का मौका नहीं मिला। तो क्या अगर इसका सीक्वल आता है तो हम देख सकते हैं, बिकॉज इसमें हमने आपको सिंगर का नया जो है आपकी टैलेंट उसे देखा। सो व्हाट अबाउट योर डांस एंड द स्किल्स? क्योंकि सायमा का किरदार एक गायिका का है तो आई थिंक आप उसे गाना अगर आता ना season 2 अगर आया तो ज़रूर उसे आप गाना गाते हुए देखेंगे, गुनगुनाते हुए देखेंगे। लेकिन डांस पता नहीं, अगर सर को कुछ आ गया तो अलग बात है, लेकिन मुझे भी लगता कि मुझे अभी नहीं पाप भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।